सफाई कर्मचारियों की पिछले 8 दिन से जारी हड़ताल के कारण कचरे के ढेर में तब्दील हो चुके हरियाणा के शहरों में सरकार खुद सफाई अभियान शुरू करेगी। यह ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने फतेहाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। राजीव जैन ने कहा कि सरकार कर्मचारी से टकराव की स्थिति से बचना चाहती है और ऐसे में अगर कर्मचारी नेता आज हड़ताल खत्म करने का ऐलान नहीं करते तो कल से भाजपा स्थानीय नागरिकों, संस्थाओं और आमजन के सहयोग से शहरों से कचरा साफ करने का कार्य शुरू करेगी। राजीव जैन ने कहा कि हड़ताली कर्मचारियों से मुख्यमंत्री स्तर की बातचीत बीते दिन हो चुकी है, लेकिन हड़ताल पर गए कर्मचारियों का एक गुट अभी हड़ताल खत्म करने पर अपना अंतिम फैसला नहीं ले पाया है। उन्होंने कहा कि रोहतक में आज कर्मचारियों की मीटिंग है और उस मीटिंग के बाद हड़ताल खत्म करने या जारी रखने का फैसला आने वाला है। अगर कर्मचारी हड़ताल खत्म नहीं करते तो सरकार शहरों से कचरा उठाने के प्रबंध करने के विकल्पों पर काम करना शुरू कर देगी। कर्मचारियों का आंदोलन जो है, उन्होंने हड़ताल शुरू की और हड़ताल शुरू होने के 3-4 दिन के बाद ही हमारे जो स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव हैं आनंद मोहन चरण, उनके माध्यम से सरकार ने जो है बातचीत शुरू की। बातचीत के दौरान जो उनकी मांगे थी उसके बारे में विचार विमर्श हुआ और कल जो है मुख्यमंत्री जी के समक्ष सफाई कर्मचारियों की 2 यूनियंस जो हैं वो वहाँ पर अपनी समस्याओं और अपनी मांगों को लेकर पहुँची थी और उन सब की जो है कर्मचारियों की आज जो है रोहतक में 10 बजे बैठक है और वो 10 बजे बैठक में क्या निर्णय लेते हैं उसके बाद सरकार जो है अपनी रणनीति तय करेगी। हम जो है, इन्होंने हमारे से समय मांगा था और समय आज जो है 11-12 बजे तक जो है इनका निर्णय आ जाएगा। उसके निर्णय के बाद जो है उच्च अधिकारियों की एक बैठक जो है स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन की अध्यक्षता में जो है उन्होंने बुलाई हुई है डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों की, उसके बाद जो है रणनीति तय की जाएगी और मैं कल से जो है सरकार आज जो है उसकी सारी रणनीति तैयार करके कल से जो है कचरा उठाने का प्रबंध करेगा कि हम जो है जनता के सहयोग से, समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से और सब नागरिकों के सहयोग से कचरा उठाने का प्रबंध करेंगे। ध्यान में आपको अभी जो है पीछे पहले भी वैसे क्वेश्चन किया गया, स्वच्छता अभियान की जहाँ तक बात है, हमारे कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान बार बार चलाया, आज भी हम चला सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कर्मचारी जो है ये आरोप सरकार पर ना लगे कि बातचीत से पहले इन्होंने जो है अपने टकराव का रास्ता अपनाया है। हमने उस बात को मद्देनज़र रखते हुए स्वच्छता अभियान कार्यकर्ताओं के माध्यम से नहीं चलाया और आज अगर हड़ताल वापस नहीं होती है तो हम उस अभियान को चलाएंगे। हिंद एक्सप्रेस के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा की रिपोर्ट।